हमारे साथ है महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर। सर, आज जो मसला महाराष्ट्र के एमएलएस के सेना वर्सेस सेना का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उस केस में, और कहीं ना कहीं ये भी बात कही गई है कि पिछली बार जो जजमेंट था उसमें अभी तक कोई डिस्क्वालिफिकेशन पे आपने डिसीजन नहीं लिया है, इस बात को लेकर नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तो आज इस P20 के कार्यक्रम में था, इसलिए मुझे कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन इसके बारे में पूरी मालूमात लिखने के बाद ही मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊंगा। सर, लेकिन ये बात बार बार कोर्ट की तरफ से दोहराया गया कि अभी तक आपको डिसीजन ले लेना चाहिए था, पहले आपको भी आपत्ति थी जिस तरह से इंस्ट्रक्शन आए थे कोर्ट की तरफ से, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी अभी तक आपने सेना वर्सेज सेना वाले मामले में जो शिंदे खेमा है उनके विधायकों के खिलाफ जो कंप्लेंट है डिस्क्वालिफिकेशन की, उस पर कार्रवाई नहीं की है। देखिए, मैं जो विधानसभा के नियम है, डिस्क्वालिफिकेशन के नियम है और संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार काम कर रहा हूं और काम करूंगा, और मुझे लगता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसे है, वैसे जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, और मुझे किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी है, लेकिन जल्दबाजी करके मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी मुझे नहीं करना है। इसीलिए मैं उचित नियमों का पालन करके उचित समय इसके लिए जो लगता है उतने जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में इस मामले को पूरी तरीके से न्याय देने की का प्रयास रहेगा। आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी ये मामला कहा गया है कि पहले भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और अगर इस तरह से इसका पालन नहीं होता है, जो पूरा प्रोसेस है कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, मैं समझता हूं कि जो कार्रवाई हम कर रहे हैं वो नियमों के आधार पर ही है, यदि वो नियमों के आधार पर नहीं है तो निश्चित रूप से हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है नियमों के आधार पर मैं कार्रवाई कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सोमवार तक आपको एक टाइमलाइन बना लेनी चाहिए इस पूरे मसले पे, नहीं तो फिर उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। टाइमलाइन तो हमने बनाई हुई है, हमने ऑलरेडी इस बारे में ऑर्डर पास की है, तो और अभी हम कंसिडर करेंगे कोर्ट की ऑर्डर, तो अभी मुझे मालूम नहीं है कोर्ट की। सर, जो आप जब तक चाहेंगे कि जो भी दोनों खेमों की तरफ से, क्योंकि आपके पास डिस्क्वालिफिकेशन के कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस हैं, तो उस पे क्या सोच है कि 1 हफ्ता 15 दिन 1 महीना 2 महीना कोई एक डेडलाइन है आपके दिमाग में भी? नहीं, मैंने जैसे आपको कहा कि सभी प्रावधानों का पालन करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, सभी विधानसभा के नियम इस विषय में जो है उनका पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, उनका पालन करके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर मैं जितने जल्दी इसका निवारा कर सकूं उतने जल्दी मैं करूंगा। लेकिन ये भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव जो अगला है उसके पहले तो इसका निपटारा कर लेना चाहिए। देखिए, मैं इस विषय को किसी चुनाव के दायरे में रखकर नहीं निर्णय लूंगा, मुझे चुनाव का और इस विषय का कोई संबंध है नहीं। ये विषय डिस्क्वालिफिकेशन का है, गंभीर विषय है, और इसकी गंभीरता समझ में रखते हुए जल्दी से जल्दी हम इस विषय में निर्णय लेंगे।